हमजा शहबाज की आज हाईकोर्ट में पेशी। नैब ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जमानत मंसूख होने पर नैब हाईकोर्ट से हमजा शहबाज को गिरफ्तार करेगी। नैब की 8 रुकनी टीम हाईकोर्ट में मौजूद रहेगी। 4 रुकनी टीम 96H मॉडल टाउन के बाहर सुबह 11 बजे मौजूद होगी। मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की मदद भी तलब। 566 पुलिस अफसरान सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। अदालत के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे नैब हुक्काम। बैग खाली हो या भरा, 5000 रुपए का नोट खरा। सामान 1 किलो हो या 20 किलो, फंसाई मुसाफिरों के लिए 5000 रुपए फिक्स्ड। महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक से फंसाई मुसाफिर परेशान। अंदरूने मुल्क सफर करने वालों के लिए नया हुक्मनामा जारी। PIA ने सामान के लिए चार्जेस 5000 रुपए मुकर्रर कर दिए। पहले फी किलो 100 रुपए वसूल किए जाते थे। ईंधन के कीमत में उतार चढ़ाव के बायस चार्जेस बढ़ाए तर्जुमान PIA। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शहर में 3 से 7 घंटे की लोड शेडिंग। छुट्टी के रोज शहरी घरों में तंग। लेस्को को 490 मेगावाट की किल्लत का सामना। 30% लाइन लॉसेस वाले फीडर्स की 5 घंटे, 7% लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर 7 घंटे बत्ती बंद। तभी लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। दरियाए रावी से एक ही दिन में 2 लाशें बरामद। रावी से 12 साल रिजवान की लाश बरामद। रेस्क्यू टीम ने लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। दरिया से 45 साल नामालूम शख्स की लाश भी बरामद। लाश मोटरवे पुल के करीब से बरामद हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मोहनवाल में 2 बच्चियों में से ज्यादती की कोशिश का मामला। पुलिस ने मुतासिरा बच्चियों की वालिदा की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकई की तहकीकात जारी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। करीम पार्क में खातून ने खुदकुशी कर ली। 45 साल इरशाद परवीन ने कनपट्टी पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। वर्सा ने मौत को खुदकुशी करार दे दिया। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। खूनी खेल के शौकीन बाज ना आए। शहर में पतंगबाजी, एक और शहरी का गला कट गया। योहन्नाबाद में डोर फिरने से 28 साल नौजवान शदीद जख्मी। फरहान तश्वीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल। SP मॉडल टाउन का वाकये का नोटिस। पतंगबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। मुगलपुरा पुलिस की कार्रवाई। पतंग सासी की फैक्ट्री पकड़ ली, मालिक गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत का मस्तूई महंगाई करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। काबीना की प्राइस कंट्रोल कमेटी को हिदायत जारी। आवाम को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, वजीर आला उस्मान बुजदार। महंगाई में बेपनाह इजाफे से हर पाकिस्तानी रो रहा है। हुकूमत के वादे पानी पर लकीर की तरह हैं। सुबह शाम नए ऐलानात और काब दिखाए गए। मौजूदा हुकूमत पुराने निजाम का तसलसल है। बिजली और गैस समेत हर चीज की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वजीर खजाना के बयानात परेशान कुन हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। एक दिन काम 5 दिन आराम। 3 माह गुजर गए। चुंगिया मरसदू रेलवे फाटक की तामीर का काम मुकम्मल ना हो सका। ट्रैफिक भी रहती है जाम। इलाके के मकीनों के साथ साथ दीगर शहरी भी परेशान। रेलवे इंतजामिया ने 1 माह का वक्त दिया, अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। इलाका मकीन। दो निजी कंपनियों की कानूनी जंग में शहरी तंग। महकमा एक्साइज नई नंबर प्लेटों की फराहमी में नाकाम। महकमा एक्साइज ने एक कंपनी को प्लेटें तैयार करने का ठेका दिया, दूसरी ने अदालत से हुक्म इम्तहान नहीं लिया। नंबर प्लेटें नहीं तैयार हुई। सार्फीन की एक्साइज अमले से तकरार। नंबर प्लेटों की मुकम्मल फरामी करते हुए 2 से 3 माह लग सकते हैं एक्साइज हुक्काम। चंद्राय रोड कोटलखपत में फैक्ट्रियों का काला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। मकीन सरापा एहतजाज बन गए। साफ पानी की अदम फरामी और नाकिस सीवरेज निजाम का भी शिकवा। इलाके में मसाइल के अंबार हैं। मुजाहरीन
एक करोड़ नौकरियों के लिए प्रोग्राम ला रहे हैं। नौजवानों को जदीद हुनर की तालीम देंगे। नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने की जरूरत है। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम उस्मान डार का तकरीब से खिताब। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा का कहना है कि पख्तून किसी सूबे में हो पाकिस्तानी है। नादरा अफसरान पंजाब में पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड भी बनाए। रेलवे लाइनों पर कायम शहर का अनोखा थाना शाहदरा टाउन। 1986 से जीटी रोड पर रेलवे की चार किनाल एराजी पर थाना कायम है। थाना शाहदरा टाउन की इमारत रेलवे यार्ड पर तामीर हुई थी। ट्रेन गुजरते वक्त पूरे थाने की इमारत लरज उठती है। शेर आया न चीता ना ही बच्चों का फेवरेट बंदर। सफारी पार्क में अढ़ाई करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर मंसूबा लटक गया। ठेकेदार मंसूबा अधूरा छोड़ गया। 40 करोड़ की लागत से मंसूबा जून तक मुकम्मल होना है। सिर्फ 40% काम ही मुकम्मल हो सका। फंड्स की कमी, एक और मंसूबा अधूरा। दाता दरबार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए महकमा औकाफ ने 5 करोड़ मांगे। पंजाब हुकूमत का इनकार। दाता दरबार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजू के पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए मंसूबे का हिस्सा है। फंड्स की अदम फ्राहमी या अफसरान की मुबैना लापरवाही। डॉल्फिन फोर्स की महंगी मोटरसाइकिलें खराब होने लगी। मरम्मती काम न होने पर पेट्रोलिंग सरगर्मियां भी मुतासर। सर्विसेज अस्पताल में मेहमान खाने मुकम्मल, तहाल गैर फाल। मरीजों के साथ आए लवाहिकीन भी परेशान। अस्पताल में बैठने की जगह है न दीगर सहूलियात। मरीज और लवाहिकीन का शिकवा। करप्शन के हिसाब का वक्त आया तो हमजा शहबाज घर के तहखाने खाने में छुप गए। बुजदिली की नई मिसाल कायम कर दी। कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब देना पड़ेगा। वजीर सनत मियां असलम इकबाल। पेट्रोलिंग पुलिस में स्टेनोग्राफर्स की शदीद कमी। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्टेनोग्राफर्स की 21 सीटें खाली। एडमिन ब्रांच से मुतअद्दिद बार स्टेनोग्राफर्स की खिदमात मांगी। FIA का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। रेस्टोरेंट में 20% रियायत। आगाही वॉक और सेमिनार। 10 करोड़ शहरियों को मैसेज भेजे जाएंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स डे कौमी सतह पर मनाने का फैसला। अफसरान को मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए गए। टॉप 20 टेस्ट प्लेयर्स के कोयनामात से नवाजा जाएगा चेयरमैन PRA। इतिहाद टाउन में रेवेंट रोड पर 7 अप फूड फेस्टिवल। खाने पीने के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। रंगारंग म्यूजिकल कंसर्ट का भी एहतमाम। आतिफ असलम और फलक शबीर परफॉर्म करेंगे। अल हिजाज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन में अल खिदमत ग्रुप की जीत। अल खिदमत ग्रुप ने 254 वोट लेकर फतह का ताज अपने सर पर पहना। गुलशन जफर ग्रुप को कुल 100 वोट मिले। अल खिदमत ग्रुप की जीत पर जश्न। ढोल किताब पर भंगड़े। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। मोहम्मद आमिर अभी भी दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। टीम में कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की पोलो क्लब में गुफ्तगु। और लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घोड़ दौड़ मुकाबले। मनमौजी नामी घोड़े ने अब पहली रेस जीती। मेहरबानी नामी घोड़े की दूसरी पोजीशन।